एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहाँ अनियंत्रित ट्रक एक घर में घुसा, तीन लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल यह पूरा मामला नगर कोतवाली के सराय बहलिया का है, जहां अनियंत्रित ट्रक एक घर में घुस गई, जिसमें सो रहे 55 वर्षीय मोहम्मद जब्बार, उनकी बेटी शाहीन और उनकी भाभी की मौत हो गई, जबकि इस घटना में चार बकरियां भी काल के गाल में समा गई। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की बात कह रही है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है घटना को लेकर अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा का। सामने दूसरे ट्रक आ गए, उसको बचाने के चक्कर में वह ट्रक जो है श्री अब्दुल जब्बार के घर में घुस गया, और ये लोग जो है घर में थे, जिसमें तीन लोगों की तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई है, जिसमें श्री अब्दुल जब्बार साहब हैं, श्रीमती शाफिया बेगम और साहिब बानो। यहाँ जो है मौके का निरीक्षण कर लिया गया है, ट्रक हटाई जा रही, बाकी जो इनको सहायता है माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें और भारत सरकार की भी बता दें, उनको हम सहायता दिलवाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके खबर की, जहां जीआरपी पुलिस ने 207 कछुओं के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजा जा रहा की तस्वीर प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के, जहां जीआरपी ने कछुआ तस्करी करके ले जा रहे दो तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके कब्जे से बैग और पोटली में बंद 207 कछुओं को आजाद कराकर उन्हें वन विभाग की टीम को सुपुर्द कर दिया गया। वन विभाग के अधिकारी कानूनी लिखा पढ़ी करके कछुओं को सही नदी में छोड़ने की तैयारी में है। जीआरपी एसओ अरुण सिंह उपनिरीक्षक राम जी के साथ में फोर्स प्लेटफार्म पर गश्त कर रहे थे। इसी बीच पुलिस वालों की नज़र एक जगह काफ़ी संख्या में रखे बैग और पोटली पर पड़ी। ध्यान से देखा तो बैग के अंदर कुछ चल रहा था, उन्हें शक हुआ, पुलिस को बैग की तरफ आता देख आसपास खड़े लोग भागने शुरू कर दिए। उनमें से पुलिसकर्मियों ने दो को दौड़ाकर पकड़ लिया। बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें कछुआ भरे हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ के अधिवक्ताओं का चौथे दिन भी हड़ताल जारी। बता दें कि अधिवक्ता चार दिन से आंदोलनरत हैं। उनकी मांग है कि जो ग्राम न्यायालय पट्टी तहसील गया है वह वापस लाया जाए, जिसे लेकर अधिवक्ताओं द्वारा जिला कचहरी प्रांगण समेत जिला न्यायालय में तालाबंदी करके उग्र प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं द्वारा एक संघर्ष समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें आगे किस तरीके रणनीति बनानी है इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। बता दें कि ग्राम न्यायालय पट्टी तहसील में जब से शिफ्ट हुआ है तब से प्रतापगढ़ जिला कचहरी के अधिवक्ताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे वादकारियों के अलावा अधिवक्ताओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले में जो न्यायिक अधिकारी हैं वह किस तरीके का एक्शन लेते हैं। फिलहाल अधिवक्ताओं का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है और चार दिन से लगातार प्रतापगढ़ जिला कचहरी के अधिवक्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां आने वाले वादकारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके खबर की, जहां शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार करने और उसकी अश्लील फोटो को उसके पिता के पास भेजने वाले आरोपी को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के आला अफसरों ने बताया कि शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार करने के आरोपित की गिरफ्तारी के लिए नगर कोतवाली पुलिस ने टीम गठित की थी और राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय में हुआ बवाल के बाद पकड़े गए संदिग्धों में एक दलाल को इस दौरान ऑफर दिया गया और वह रेप के आरोपित को यदि पकड़वा दे तो पुलिस उसे छोड़ देगी। दलाल के करीबी लोग शुक्रवार को रेप के आरोपित को लेकर अस्पताल परिसर पहुँच गए, जहाँ रेप के आरोपित को पुलिस से बोलेरो में बिठाने के बाद सिपाहियों ने दलाल को छोड़ दिया। हालांकि नगर कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने किसी दलाल को छोड़े जाने से साफ इंकार किया है। पुलिस के आला अफसरों ने बताया कि एक छात्रा जो कि प्रतापगढ़ शहर के एक कॉलेज की रहने वाली थी, उसके साथ इसने शादी का झांसा देकर दुराचार किया और उसकी अश्लील फोटो को उसके पिता के पास भी भेज दिया था, जिसे लेकर पुलिस को इस आरोपी की काफ़ी दिनों से सरगर्मी के साथ तलाश थी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त कदही कोतवाली इलाके का रहने वाला है। खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहाँ शनिवार को निकाली जाएगी भोलेनाथ की सांकेतिक डोली यात्रा। बता दें कि काशी के ज्ञानव्यापी मंदिर में प्रकट हुए आज विष्णेश्वर भूत भवन भोलेनाथ की सांकेतिक डोली यात्रा शनिवार को बलीपुरी स्थित माँ दुर्गा मंदिर से निकाली जाएगी। यह संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि सरेंद्र योगी ने बताया कि डोली यात्रा का समापन गाजी चौराहे पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी मंदिर के वजूखाने के कुएं में एक वर्ष पहले मिले आदि विघ्नेश्वर के शिवलिंग की पूजा अर्चना नहीं हो पा रही, इसी क्रम में सांकेतिक डोली यात्रा निकाली जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि जो वजूखाने में शिवलिंग मिला है उसकी पूजा अर्चना करने की अब अनुमति देनी चाहिए।
ये बताने का काम किया जाएगा कि मूर्ति को पूजा का अधिकार है, मूर्ति को स्नान का अधिकार है।